નમસ્કાર દર્શક મિત્રો આપણા સ્વાસ્થ્યને લક્ષી લાઇવ ફોન ઇન કાર્યક્રમ હેલો આરોગ્યમાં આપ સૌ દર્શક મિત્રો હું ડૉક્ટર ભાગ્યશ પંચલ એકવાર ફરીથી હાર્દિક સ્વાગત કરું છું મિત્રો આજે આપણે વાત કરવાની છીએ ડાયાબિટીસ અને તેની સારવાર વિશે તેમજ ડાયાબિટીસના દર્દીઓ આપણા ભારતમાં જે પ્રમાણે વધી રહ્યા છે તેમજ ડાયાબિટીસના કારણે થતાં કોમ્પ્લિકેશનની સંખ્યા પણ ધીરે ધીરે વધી રહી છે તો આજે આપણે ડાયાબિટીસ અને તેની સારવાર વિશે તો વાત કરીશું જ તે સાથે સાથે આપણે વાત કરીશું આપણા ભારત સરકારની સૌથી મોટી સ્કીમ એટલે કે સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ હેલ્થ સ્કીમ કે જે ભારત સરકારના અંડરમાં આવતા સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટના કર્મચારીઓ છે તેમના માટે જે લાગુ પડે છે તેના વિશે પણ તેની ફેસિલિટી વિશે પણ આપણે વાત કરીશું મિત્રો આ ચર્ચામાં ભાગ લેવા માટે આ ચર્ચામાં માર્ગદર્શન આપવા માટે આપણા સ્ટુડિયોમાં જે નિષ્ણાત ઉપસ્થિત છે તેમની સાથે હું આપનો પરિચય કરાવી દઉં તો આપણી સાથે હાજર છે ડૉક્ટર જી સી ડે સાહેબ ડૉક્ટર જી સી ડે સાહેબ કે જેઓ અમદાવાદમાં સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ હેલ્થ સ્કીમમાં એડિશનલ ડાયરેક્ટર તરીકે છેલ્લા વીસ વર્ષથી પણ વધારે સમયથી સેવા આપી રહ્યા છે સાહેબ આપનું સ્ટુડિયોમાં છે છે અને સાથે ડૉક્ટર રાજેશ કુમાર સાહેબ કે જેઓ પણ અમદાવાદમાં સીજીએચમાં ચીફ મેડિકલ ઓફિસર તરીકે સેવા આપી રહ્યા છે ડોક્ટર રાજેશ કુમાર આપનું પણ સ્ટુડિયોમાં હાર્દિક સ્વાગત છે નમસ્કાર દર્શક મિત્રો તો ડૉક્ટર ડે સાહેબ આપનાથી શરૂઆત કરી આપને જ પૂછીએ તો આપણે જે વાત કરીએ છીએ કે સીજીએચની સેવાઓ વિશે તેમજ ડાયાબિટીસ વિશે

उनका उनका फैमिलीज लोगों को ये स्कीम में शामिल होने के बाद हम लोग मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं उन लोगों को डॉक्टर राजेश कुमार अपनी जानवा मांगीशू के डायबिटीज विषय बात करना चाहिए सी जीच एस विषय तो खास कर डायाबीटीस रोग है डायाबीटीस रोग की सारीजीएच एस कई कई फैसिलिटी उपलब्ध है तो के मददरूप दर्शक मित्रों जैसा हम सबको पता है डायबिटीज एक एंडेमिक बीमारी बन गई है अभी पूरे भारत इससे ग्रस्त है वैसे ही गुजरात में इन, इसकी संख्या काफ़ी अधिक है और हम लोग सब गुजरात में रहते हैं तो यहाँ पर इनके पेशेंट काफ़ी हैं इनकी सुविधा के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज में हम सबसे पहले तो इसका निदान जो डायग्नोसिस होता है उसके लिए स्क्रीनिंग करते हैं टाइम टू टाइम देखते हैं ब्लड शुगर फास्टिंग खाने के बाद या एच बी ए वन सी इसका हम इस तरह से निदान करते हैं पहले पता करते हैं कि इनको डायबिटीज़ है कि नहीं है फिर एक बार निदान होने के बाद उसकी जो सुविधा देते हैं कि सभी तरह की सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध है जैसे कि मेडिसिन है इन्वेस्टिगेशन है आउटडोर फैसिलिटी है इनडोर फैसिलिटी है सभी चीज़ पेशेंट को दिया जाता है और इमरजेंसी में वो जाके हॉस्पिटल में भी अटेंड कर सकते हैं अगर कोई इमरजेंसी उनको आती है जो हमारे हॉस्पिटल रिकॉग्नाइज है वहां भी जा सकते हैं बराबर अहमदाबाद थी अपने साथी कॉलर जुड़े रहे थे जी आपने कोई प्रश्न पूछवा मांगे थे हेलो हाँ, हाँ कांति भाई आप बोलो साहब हेलो हाँ हेलो हाँ अब डायबिटीज हेलो हाँ हाँ जी बोलिए कांति हाँ, भाई आपने प्रश्न जनाया था डायबिटीज कई उम्र में थाय से डायबिटीज जो है किसी भी उम्र में हो सकता है ये डायबिटीज दो दो तीन के बहुत सारे किस्म का होता है एक होता है डायबिटीज टाइप वन एंड डायबिटीज टाइप टू और ये किसी भी उम्र में डिटेक्ट किया जा सकता है किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकता है तो हाँ जी? आ, नहीं और कुछ और कुछ नहीं पूछना चाहिए नहीं सर आपने पूछा मांगिश कि आप ये सीजीएचएस की बात करी डायबिटीज़ करी तो एक जान मांगे सी जी एच एस सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है कोने कोने लाभ म पात्र है के बेनिफिशिय सीचीर्स लाभ मिली सके इसमें ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जितने भी हैं जैसे कि इनकम टैक्स कस्टम्स एंड पैरामिलिटरी फोर्सेस को भी अभी इंक्लूड कर दिए गए हैं और एम सिटिंग सीटिंग एक्स एम एक्स गवर्नर्स एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सब सी जी एच एस के लाभ उठा सकते हैं सी जी एच एस का मेंबर बन करके। अच्छा डॉक्टर राजेश कुमार साहब आप जाए कि डायाबिटीस रोग विषय आप जो करी तो डायाबिटीस रोग दर्द है विविध प्रकार रोग दर्द जो बात करिए तो घनी तो तो बड़ी प्रकार की सगवड़ों की जरूर पड़ती होम के ओपीडी फेसिलिटी इंडोर फेसिलिटी अमुक इन्वेस्टिगेशन की जरुर पड़ती हो तो सी जी एच एस में एट के आ हेल्थ स्कीम में विविध प्रकार की कई कई फेसिलिटी दर्द ने अथवा कोईपण बेनिफिशियवापात्र हो हमारे यहाँ दर्दियों के लिए निदान के लिए डायग्नोसिस के लिए अपनी लेबोरेट्री है और ये लेबोरेट्री हम लोग सबसे बड़ी लेबोट्री हमारी जी में है उसके अलावा दो लेबोरेटरी और भी है जहाँ पे हम लोग ब्लड का यूरिन का और सब एग्ज़ामिनेशन करते हैं इस इसके अलावा इसी फैसिलिटी भी हम तीन चार डिस्पेंसरी में प्रोवाइड कर रहे हैं अगर पेशेंट को इससे ज़्यादा की ज़रूरत होती है जो कि हमारे यहाँ सुविधा नहीं उपलब्ध है तब हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं चाहे वो गवर्नमेंट के हो स्टेट गवर्नमेंट के या म्यूनसपल कॉरपोरेशन के हो या कुछ हमारे इम्पेनल हॉस्पिटल है जो कि कॉरपोरेट हॉस्पिटल जो भी बड़े बड़े हैं सभी इसमें आ जाते हैं अपोलो है शेलबी है साल है सभी सभी हॉस्पिटल हमारे इम्पेनल हॉस्पिटल है वो उनमें हम पेशेंट को भेजते हैं जो भी उनकी ज़रूरत तो के अनुसार उनके जांच भी हो जाती है उनकी ट्रीटमेंट भी हो जाती है अगर ज़रूरत पड़े तो एडमिशन भी हो जाती है सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं मैं इसके साथ ऐड करना चाहता हूँ कि हमारे सी जी एच एस में दस वेलनेस सेंटर है जहाँ से हम सारे सी जी एच एस के जो बेनिफिशियज है इस दस सेंटर से हम महान, सी तो जी एच एस के फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं दर्शक मित्रों ने खास विनंती कि आपने साथ अत्य अपना स्टूडियो में सी जी एच एस महान महानुभाव एक्सपीरियंस सर उपस्थित है तो अपना पर जीप व्यूअर्स सी जी एच एस में अतः बेनिफिशियरी तरीके से लाभ मिलवा पात्र है تمનો મને કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રશ્ન હોય કોઈ પણ પ્રકારની મૂંઝવણ હોય અથવા તો सीजीएचએસની કોઈ પણ ફેસિલિટી વિશે આપ જો પ્રશ્ન પૂછવા માંગતા હો તો અમારા આ નંબર પર ફોન કરીને આપ પ્રશ્ન પૂછી શકો છો બીજો દે સાહેબ આપણે પૂછવા માંગીએ છીએ ઈમરજન્સી કન્ડિશનમાં જ્યારે પણ કોઈ દર્દીને કોઈ ઈમરજન્સીની સારવાર મેળવી હોય તો તેવી કન્ડિશનમાં કેવી રીતે ફેસિલિટી મેળવી શકે તો શું એની પ્રોસિજર હોય છે હા ઈમરજન્સી કન્ડિશનમાં જો सीजीएचएस કે બેનિફિશરીઝ હે વો લોગ અમારે જો એમ પેનલડ હોસ્પિટલ હે વહા પે apna सीजीएचएस કા કાર્ડ લેકર કે જાયે और वहाँ वहाँ पे आपको सारे फैसिलिटीज़ जो है कैशलेस बेसिस पे वहाँ में कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं होगा इमिडिएटली जैसे कि पेंशनर्स है उन लोगों को कुछ पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है और उनका पूरा इलाज वहाँ पे हो जाएगा जैसे कि हमारे यहाँ पे एम्पनल हॉस्पिटल में मैं बात करना चाहता हूँ अपोलो हॉस्पिटल है निधि हॉस्पिटल है शेलवी हॉस्पिटल है स्टार्लिंग हॉस्पिटल है साल हॉस्पिटल है और मानी नगर साइड में सिद्धि विनायक हॉस्पिटल है ये सब सारे जो अच्छे हॉस्पिटल है अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल है सबको हमने सी जी एस की तरफ से उनको एमपेडलमेंट कर दिया है और इनका लाभ उठा सकते हैं इवन इन नॉन इमरजेंसी केसेस जो होते हैं तो जो पेशेंट को कोई तकलीफ होता है बेनिफिशरीज को कोई तकलीफ होता है तो सी जी एच एस में जा कर के वहाँ से रेफरेंस ले कर जा सकते हैं वहाँ पर और इमरजेंसी में विथ सी जी एच एस कार्ड उनको जाना है वहाँ पर अच्छा अहमदाबाद थी अपने साथ एक कॉलेज जुड़े रहे थे कोई प्रश्न पूछवा मांगे दया राम भाई हेलो बोलो हाँ, बोलिए आपका क्या प्रश्न है ज्यादा प्यास लगना ज्यादा भूख लगना और वीकनेस लगना ये सब है और सबसे बड़ा चीज है तो आपको जो है पीरियडिकल चेकअप करना बहुत जरूरी है जाके डॉक्टर से मिलना चाहिए और जो पीरियडिकल साल में या छः महीने में एक बार डायबिटीज़ का सारे टेस्ट करना चाहिए उसी से वो निकल जाता है डायबिटीज़ जो है मोस्टली ये तो डायग्नोसिस एक्सीडेंटल डायग्नोस डायग्नोसि में ही इसको डायग्नोसिस किया जाता है डॉक्टर राजेश कुमार आपने पूछा मांगी इसके आप जो कॉलर पूछू कि डायबिटीस लक्षणों विषय बात करी और साहब कहूं कि प्रमाण कि डायाबिटीस दर्दियों में विविध प्रकार तपास करवा जरूर होगी तो मैं पूछा मगे इसके वीक डायबिटीजी में क्या प्रकार की तपास कर सबसे पहले डायबिटीज़ के दर्दी के लिए ब्लड शुगर का एग्जामिनेशन करना पड़ता है फास्टिंग ब्लड शुगर पोस्ट पैंडियल मतलब खाने के दो घंटे के बाद का ब्लड शुगर उसके साथ दोनों समय का यूरिन एग्जामिनेशन करते हैं उसके अलावा लिपिड प्रोफाइल होता है उसके ईसीजी करते हैं सीरम क्रिएटन करते हैं अगर इसके अलावा भी कुछ हम हमें कुछ संदेह होता है कि इसके अलावा भी कोई और भी बीमारी से ग्रसित है तो उसका इलाज भी करते हैं अच्छा आते तो थे डायबिटीस दर्द विषय घी वक्त श्वास दर्दियों अमुक प्रकार विविध प्रकार मशीन की जरूरत पड़ती हो, प्रकारना, प्रकारना जरू हो तो शू फेसिल सीजीएचएस क्लिनिक्स में अथवा डिस्पेंसरीज में सी जीएचएस हॉस्पिटल्स में हम लोग अगर एक्यूट केसेस आते हैं जिनको कि बहुत ज़्यादा ब्रेथलेसनेस मतलब कि सांस की, की बीमारी होती है उनके लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं इंट्रावेनस जो भी है हमारे पास मेडिकेशन वो प्रोवाइड करते हैं इसके अलावा नेब्यूलाइज़र नेब्यूलाइजर की सुविधा भी उनके घर पे प्रोवाइड की जाती है उसके लिए नेब्यूलाइज़र भी दिया जाता है और रेस्पी कैप जो बोलते हैं जो उसमें लगाया जाता है कैप्सूल टाइप का एक कार्ट्रीज होता है वो भी हम प्रोवाइड करते हैं तो जितनी तरह की सुविधा है અથવા ઉસસે જ્યાદે કી જરૂરત પડી તો હોસ્પિટલ મે એડમિશન કે બાદ જેસા ભી ઉનકી ટ્રીટમેન્ટ કી જરૂરત હે સભી મિલતા હે બ્લડ ગ્લાસ એનાલાઈઝર સે એનાલાઈઝ કરતે હે કોઈ ભી ઓર તરહ કી સગવર કી સભી સુવિધાએ ચોકસ હા તો ડોક્ટર રાજેશ કુમાર સાહેબ આપી કયુ તે પ્રમાણે કે અમુક ચોકસ દર્દીઓ ને જારે તેમની કન્ડિશન વધારે ખરાબ હો તેમને ઘરે પણ આ પ્રકારની સુવિધા પ્રાપ્ત કરવામાં આવે છે તો ડી સાહેબ આપને પૂછવા માંગે છે કે જીવા જે દર્દીઓ કે જેઓ સીજેસ હોસ્પિટલ માં આવી શકતા ન થી જેઓ ક્લિનિક પર આવી શકતા ન થી શું તેમના માટે પણ કોઈ અલગ થી ફેસિલિટી ની સારવાર કરવામાં આવે છે ખરી हाँ उन लोगों के लिए हम सी जी तरफ से नेबुलाइजर वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं हम नेबुलाइजर घर में इस्तेमाल करने के लिए भी देते हैं और उसके साथ जो दवा यूज़ होता है मेडिसिन जो यूज़ होते हैं वो भी हम उनको देते हैं उनको दे सकते हैं सर पूछवा मांगी कि आप जैसे डिजिटल नी बात चढ़ी तो तैनान्य सीजीएस ने कभी रीते सांकड़ी सकाया राजेश कुमार सर डिजिटल इंडिया के अंतर्गत हम लोग सी में सभी तरह की सुविधाएं देते हैं जैसे कि अभी तो जैसे इंटरनेट बहुत कॉमन हो गया है मोबाइल सर्विसेज कॉमन हो गया है तो इंटरनेट पे भी हर एक तरह की सुविधाएं अगर पेशेंट हमसे ईमेल पे कांटेक्ट करना चाहे बीमारी भी, के बारे में पता करना चाहे या इमरजेंसी में टेलीफोनिकली कांटेक्ट करना चाहे मैसेज देना चाहे व्हाट्सएप करना चाहे सभी तरह की फैसिलिटी हमारे यहाँ से दी जाती है इसी इसके लिए हमारे नोटिस बोर्ड पर सभी डॉक्टरों का मोबाइल नंबर ईमेल सभी चीज़ प्रोवाइड किया जाता है yes. मैं इसके साथ ऐड करना चाहता हूँ कि डिजिटल इंडिया के साथ में हमारे जो सी जी एच एस के फंक्शनिंग है यह टोटली कंप्यूटराइज हो गया है और कंप्यूटराइज होने की वजह से कि सारे पेशेंट्स के जो डाटा है हम कंप्यूटर में एक क्लिक करने से उसके डाटा और हिस्ट्री सारे हमको मिल जाता है और उन्होंने उसने कौन सा कौन सा ट्रीटमेंट कहाँ कहाँ से लिया ये सब सारी चीज़ें हम डिजिटल इंडिया કાજો પ્રોગ્રેસ છે इससे हम सारी चीजें दिखाई देता है और पता चल जाता है हमको तो सीजीएस द्वारा जे विद्युत प्रकाने सेवा મળે છે ડિજિટલ સેવા મળે છે તેની સૌ દશમિત વધારે લાભ લેવા માટે વિનંતી છે અને આ સાથે જ આપણે અહીં લેશું એક નાનકડો વિરામ અને વિરામ બાદ આપણે ચર્ચા ચાલુ રાખીશું हर सुबह मिस्टर डिसलवा अपने पड़ोसी अली पटेल डॉक्टर दास पिरोजा आंटी बॉबी सिंह साहब और कई औरों के साथ एक छोटी सी वॉक पर जाते हैं आज अली और पटेल तो हैं, पर डॉक्टर साहब गराज में हैं। बॉबी अब किसी और की हो चुकी सिंह साहब ईएमआई नहीं भर पाए और बिरोजा आंटी आज कुछ ज्यादा ही दूर खड़ी है નમસ્કાર દર્શક મિત્રો એક નાનકડા સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે હેલો આરોગ્ય કાર્યક્રમમાં આપણે વાત કરીએ છીએ સીજીએચએસ અને તેની વિવિધ ફેસિલિટીસ વિશે તેમજ ડાયાબિટીસના રોગ વિશે આપણી સાથે છે ડૉક્ટર રાજેશ કુમાર સાહેબ તેમજ ડૉક્ટર જીસી ડે સાહેબ કે જેઓ સીજીએચએસમાં સેવા આપી રહ્યા છે ડૉક્ટર ડે સાહેબ આપને પૂછવા માગીશ કે અત્યારે અમદાવાદની જો વાત કરીએ તો અમદાવાદમાં સીજીએચએસની કઈ કઈ જગ્યાએ સેવાઓ ઉપલબ્ધ છે તો એ વિશે માહિતી આપશો અમદાવાદમાં જો છે સીજીએચએસ કે दस वेलनेस सेंटर है जिससे हम अपना बेनिफिशरीज को ये सी जी एच एस का हेल्थ सर्विसेज़ का सर्विसेज़ uh, देते हैं जैसे कि आश्रम रोड में है एस आर हाउस में दूसरा नवरंगपुरा में है प्रगति नगर में है उसके बाद मेघानी नगर में है उसके बाद एक सेंटर हमारा लाल दरवाजा में भी है एक सेंटर शाह आलम रोजा के पास में है एक दूसरा सेंटर मनी नगर में है और एक सेंटर भोपाल में भी है हुँ. इस तरह से हम सारे अहमदाबाद के जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनको इस तरह से इस सी जी एस एस वेलनेस सेंटर की तरह से तरफ से सेवाएं देने के लिए प्रस्तुत है अच्छा राजेश कुमार साहब आश्रमों पर सी जी एस की फैसिलिटी है तह विविध प्रकार की केवी सेवाओं अपने सबसे पहले तो हम डॉक्टर जो वहाँ बैठे हैं वो रोगी रोगी का जाँच पड़ताल करते हैं उनके जाँच पड़ताल करने के बाद जो भी इन्वेस्टिगेशन करवाना है जांच करवाना है चाहे वो लैब हो तो उसके लिए लैब हमारे थर्ड फ्लोर पे लैब बना हुआ है जी आसम रोड पे ही, तो वो लैब में जाकर इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं अगर इसी की फैसिलिटी की ज़रूरत होती है तो इसी चीज वहीं हमारे डिस्पेंसरी में ही उपलब्ध है वहाँ से हम उनको प्रोवाइड करते हैं इसी की फैसिलिटी मेडिसिन जो भी हमारे पास है वो तो देते ही हैं लगभग सभी सभी मेडिसिन आजकल हमें यह कहते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि हमें हमारी सभी दवाएं लगभग उपलब्ध हैं अगर कुछ दवाएं उपलब्ध नहीं है जो कि गिनी चुनी होती हैं वो दूसरे दिन मरीज़ को लोकल परचेज करके हम मंगवा के देते हैं इसके अलावा ही अगर पेशेंट को और भी कुछ ज़रूरत हो इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए तो हमारे इम्पैनल हॉस्पिटल हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं उसमें उनको भेजते हैं जाँच करवा के वो आ सकते हैं अगर स्पेशलिस्ट की सलाह की ज़रूरत है उसके लिए भेज सकते हैं अगर एडमिशन की जरूरत है उसके लिए भेज सकते हैं इस तरह से सभी तरह की सुविधाएं हमारे यहाँ उपलब्ध हैं मैं इसके साथ ऐड करना चाहता हूँ कि उसमें नेबुलाइजेशन थेरापी हम दे सकते हैं वहाँ पे किसी को अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन की जरूरत है वो भी हम दे सकते हैं सारे इमरजेंसी केयर जिस तरह से कोई भी इमरजेंसी में पेशेंट आए उसको भी हम टेकल करने के लिए सारे फैसिलिटी आश्रम रोड में उपलब्ध तो है तो मैं आप जुड़ सको अहमदाबाद विविध सेंटर में जो सारे उपलब्ध है जहाँ आप जुड़ सको अत्यारे टी पर हाँ डी साहब आपने पूछा मांगीश कि आश्रम रोड सिंह पोस्ट ऑफिस अथवा बीजेजे ब्रांच है त्याँ कोई अलग है तो शूँ फैसिलिटी आप आश्रम रोड के अलावा जो लाल दरवाजा में है जो कि पहले पोस्टल डिस्पेंसरी थी वहाँ पर भी ये सब सारे फैसिलिटीज़ उपलब्ध है इमरजेंसी टैकल करने के लिए ए, कोई पेशेंट अगर इमरजेंसी में जाए इमरजेंसी हो जाए हमारे वेलनेस सेंटर में जाए तो हम उसको टैकल कर सकते हैं और प्रिलिमिनरी फैसिलिटी मेडिकल फैसिलिटी दे करके हम उसको किसी भी प्राइवेट एम्पन हॉस्पिटल में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जैसे सिविल है या सिविल हॉस्पिटल है या वी हॉस्पिटल है वहाँ पर रेफरेंस हम दे सकते हैं बट हमारे पास आज के डेट आज के तारीख पर सारे वेलनेस सेंटर इक्विप्ड है कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन टैकल करने के लिए डॉक्टर राजेश कुमार आपने पूछा माँगीश कि सी जी एच एस फेसिलिटी है ओपीडी तेज विविध इमरजेंसी में तो सारोपण दर्दी ने सवार बपोर अथवा तो अमक अलग टाइम में जो फैसी उपलब्ध करवी हो तो शूँ टाइमिंग हो जाए तो कि फैसिलिटी उपलब्ध कर सके पूरे भारतवर्ष में सी जी एच एस सर्विस उपलब्ध है अभी जैसा डॉक्टर डे ने बताया ऑनलाइन सर्विस होने के कारण जो हमारे मरीज़ हैं चाहे वो कहीं भी रजिस्टर्ड हो चाहे वो अहमदाबाद हो दिल्ली हो बड़ौदा हो कहीं कहीं के भी पेशेंट हो वो पूरे भारत में वो सुविधा ले सकते हैं ये सबसे बड़ा बेनिफिट आजकल हो गया है सी जी एच एस में क्योंकि ऑनलाइन सर्विस होने से उनको अपना नंबर प्रोवाइड करना होता है सभी तरह की फैसिलिटी वो कहीं से भी ले सकते हैं टाइमिंग हमारा सभी जगह एक जैसा है साढ़े सात बजे से लेकर दो बजे दोपहर तक अगर मान लें पेशेंट इसके बाद आए तो अगर उनको कोई इमरजेंसी है तो उ, उनको ये सुविधा दी गई है कि जहाँ भी चाहे घर के पास हो तो उसके पास कोई भी म्यूनसिपल हॉस्पिटल हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या इम्पैनल हॉस्पिटल हो वहाँ जा सकते हैं मान लो कि वहाँ जाने की उनके पास टाइम नहीं है तो जो भी पास में हॉस्पिटल है उसमें ट्रीटमेंट करा सकते हैं बाद में आके वो हमसे हमसे रेफर करवा सकते हैं जो कि रिकोगनाइज हॉस्पिटल है वहाँ या अगर वहाँ पर नहीं आने के लायक हो तो वहाँ रह के ट्रीटमेंट कराएं उनकी जो सुविधाएं उपलब्ध है सीजीएचएस की तरफ से उनके हिसाब से उनका री एम्बर्समेंट रेट पर मिल जाता है जा। अच्छा अच्छा डी साहब अपने बात करी एलोपैथी सार विषय अलग अलग रोगों विषय तो आश्रम रोड में जो बीजा जो सेंटर है से त्या शो एलोपैथी सिवाय पर अलग अलग विविध जमक आयुर्वेद से होम्योपैथी है तीन सारे अथा तो मार्गदर्शन आप सी जी एच एस अहमदाबाद में आश्रम रोड में और लाल दरवाजा में आयुर्वेदिक फैसिलिटी ट्रीटमेंट फैसिलिटी एंड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट फैसिलिटी है अभी हमने गांधीनगर में जो सी जी एच एस वेलनेस सेंटर है वहाँ पर भी आयुर्वेदिक के डॉक्टर हफ्ते में एक बार जाने लगे हैं आयुर्वेदिक का फुल ट्रीटमेंट फुल ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं एंड होम्योपैथी का भी डॉक्टर हमारे पास है क्वालिफाइड डॉक्टर है और वो भी होम्योपैथी का ट्रीटमेंट भी करना चाहे कोई बेनिफिशरी तो कर सकते हैं होम्योपैथी आयुर्वेदिक और आगे हम और भी सिस्टम जो है उसमें भी लागू करने की कोशिश कर रहे हैं इसके अलावा हमारे साथ डेंटल ट्रीटमेंट का भी सारे सारे फैसिलिटी हमारे सी जी एच एस में है अच्छा विविध स्पेशलिटी तो सारवा आप <coughs> अलग अलग, अलग ब्रांचेस की सारे सी जी एस में आप डॉक्टर राजेश कुमार आपने पूछा मांगीशू के सी जी एच एस कार्ड से थोड़ी महती आप सो हाँ पहले तो सी जी एच एस कार्ड जो होता था जैसे जनरल पेपर कार्ड होता है वैसा बनता था उसमें फोटोग्राफ भी लगता था लेकिन अब गवर्नमेंट ने स्मार्ट कार्ड बनाना शुरू कर दिया है स्मार्ट कार्ड हर एक बेनिफिशियरी के लिए अलग अलग बनता है मान लीजिए एक कर्मचारी के घर में चार पेशेंट्स हैं चार बेनिफिशियरी हम बोलते हैं चार बेनिफिशियरी हैं तो उन सब का अलग अलग कार्ड बनता है स्मार्ट कार्ड बोलते हैं उसमें उनका फ़ोटो लगा होता है उनका नंबर दिया होता है उनको उनका ब्लड ग्रुप दिया होता है उनका एड्रेस दिया होता है और ये भी दिया होता है कि किस तरह की सुविधा उनके पे के अनुसार से उपलब्ध है वो लेके अलग अलग ढंग से वो कहीं भी जा सकते हैं एक कार्ड लेके वो मान लीजिए कि कोई फैमिली मेम्बर अगर यहाँ से बाहर गया है दिल्ली गया है वहाँ बीमार हो गया तो वो कार्ड लेके दिल्ली के किसी भी सी सेंटर में जाके वो सुविधा ले सकता है इस तरह से गवर्नमेंट ने सभी तरह से सुविधा उपलब्ध करने के लिए भरपूर प्रयत्न किया है और वह काफी हद तक सफल है, कहीं पर भी किसी भी में वो है। अच्छा डी साहब आप आपने पूछवा माँगी आगे बात करें विविध रोगों में एलोपेथी सारे ट्रीटमेंट विषय इन्वेस्टिगेशन विषय तो सीजीएचएस में जो मेडिसीन करे तो मेडिसीन शुभ सगवड़े अथा शूँ फेसिलिटी आप सी जी एच एस हर प्रकार का मेडिसिन जो है अपने बेनिफिशरीज को देते हैं अभी और जो बहुत अच्छा क्वालिटी मेडिसिन देते हैं एंड उसको जो है क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करने के बाद मेडिसिन देते हैं जो भी मेडिसिन सी जी एच एस में आते हैं वो इस क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होने के बाद सी जी एच एस में हर वेलनेस सेंटर में आते हैं जो बेनिफिशरीज़ है वो डॉक्टर के सी जी एच एस में जा कर के डॉक्टर से मुलाकात करते हैं फिर डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देता है वो मेडिसिन हमारे डिस्पेंसिंग रूम से जाके ले सकते हैं कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं वेरी गुड मॉडर्न फैसिलिटीज़ है सी जी एच एस में द बेस्ट ट्रीटमेंट सी जी एच एस इज प्रोवाइडिंग टू इट्स बेनिफिशरीज इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट हेल्थ केयर प्रोवाइडर इन द इन इंडिया चौक्स थी अच्छा डॉक्टर राजेश कुमार साहब ने पूछवा पूछा माँगी कोईपण दर्दी अथवा तो कोईपण व्यक्ति ने कोईपण हॉस्पिटल में जैसे सी जी एच एस फेसिलिटी अवेल करवी हो तो शूँ प्रोसिजर तो के सगव मेड़ सकते हो जब एक बार दर्दी हमारे पास आता है हम तो उसे पहले एग्जामिन <coughs> करते ही हैं दर्दी की जो भी शिकायतें हम सुनते हैं उसको एग्जामिन करते हैं उनकी जो फैसिलिटी हमारे यहाँ इन्वेस्टिगेशन फैसिलिटी है वो हम अवेल करते हैं इसके बावजूद अगर हम समझते हैं कि पेशेंट को ज़रूरत है स्पेशलिस्ट की या सुपर स्पेशलिस्ट के ओपिनियन की तो उन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल म्यूनसिपल हॉस्पिटल या इम्पैनल हॉस्पिटल में रेफ़र करते हैं या तो उनको सलाह सलाह के लिए या इन्वेस्टिगेशन के लिए अगर हम समझते हैं ये इन्वेस्टिगेशन से हम उनका निदान कर सकते हैं डायग्नोसिस तो हम उस पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन के लिए उनको रेफ़र करते हैं उसके बाद रिपोर्ट के अनुसार हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं अगर वो स्पेशलिस्ट उन्होंने कुछ सुझाया कि ये इन्वेस्टिगेशन करना है हम वो सभी इन्वेस्टिगेशन अपने हॉस्पिटल में इंपैनल हॉस्पिटल में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करवाते हैं और उसके हिसाब से जो सुविधाएँ हो सकती है यहाँ यहाँ तक कि डायलिसिस की सुविधा है रेनल ट्रांसप्लांट की सुविधा है लीवर ट्रांसप्लांट की सुविधा है कैंसर की सुविधा है कैंसर के हर एक तरह के कैंसर के निदान की सुविधा और ट्रीटमेंट उपलब्ध है हमारे यहाँ कोई बजटरी रिस्ट्रिक्शन नहीं है ये सबसे बड़ा यहाँ हमारा वरदान है हम कहेंगे सी सभी बेनिफिशियरी के लिए एक वरदान साबित हुआ है क्योंकि हमारे यहाँ कोई बजटरी लिमिटेशन नहीं है यहाँ तक ही करेंगे जैसा कि अदर स्कीम्स में होता है जो भी इंश्योरेंस स्कीम है वहाँ पर कोई बजटरी लिमिट होता है कि आप पाँच लाख का ही कर सकते हैं हमारे यहाँ अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स इलनेस जैसे उनकी बीमारी है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाता है चाहे बजट कुछ भी हो मैं इसके साथ थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ कि जो भी सी के बेनिफिशरीज़ हैं वो जब सी में आए और सी जी एच एस एम प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए तो सी जी एच एस कार्ड जो है जरूर लेके जाए क्योंकि सी जी एच एस कार्ड के, के बेसिस पर ही उनका ट्रीटमेंट होगा री इम्पोर्टेंट चौकस डॉक्टर साहब अपने घर बड़ी महत्ति मिलवा समयशन हो डॉक्टर विन सौ दर्शक मित्रों ने अपना संबंध एक नाइन में आप शो। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को और जो कि रिटायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज सी जीएचएस का कार्ड जरूर लें वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही सहयोग देते हैं चौकस डॉक्टर राजेश कुमार एक लाइन में आपको मैं अपने दर्शक मित्रों से यही निवेदन करूँगा कि स्वास्थ्य की देखभाल के लिए बीमार होने से पहले उसको बचाने की सुविधा बचाने के बारे में हमको सोचना चाहिए उसके लिए स्वस्थ खाना नियमित एक्सरसाइज करना यह बहुत ज़रूरी है हम केवल दवा 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 करते रहते हैं खाली इन्वेस्टिगेशन कराते रहते हैं वो सही नहीं है हमें बीमारी से बचने का उपाय सोचना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। डॉक्टर डॉक्टर साहब साहब राजेश कुमार आप स्टूडियो में ाह सौ दर्शक मित्रों दूरदर्शन खूब आभार मानिए मित्रों आभार मानिए कार्यक्रम निहरीशू आता अंके रजा आप